करना, नॉन कॉग्निजेबल कोर्ट का अनुमति के बगैर रजिस्टर ही नहीं कर सकता, ये भी हमने से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। और 7 साल या उसके ऊपर सजा होने वाले अगर कलम लगता है किसी अपराधी के ऊपर, उसको कोर्ट जाना पड़ता है बेल लेने के लिए। और 7 साल के अंदर का सजा लगने वाले कोई कलम लगता है, पुलिस स्टेशन में ही जामीन मिलता है, ये भी नहीं मालूम हमको। तो इसलिए इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी की किताब भी अपने घर में होना चाहिए, क्योंकि हम सब सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता बने हुए हैं। कोई विद्या में काम कर रहे हैं, कोई पर्यावरण में कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी में कर रहे हैं, तो ऐसी सभी चीजों में। और एक बार मैंने देखा हमारे गांव में होटल में चला गया, एक आधा लीटर का पानी का बाटिल रखा मेरे सामने, तो मैंने बोला ये क्या है, मिनरल वाटर है, 2 रुपया 1 लीटर 4, ठीक है। मैंने नाश्ता कर लिया, पानी पी लिया, चले गया और म्युनिसिपैलिटी को मैंने लेटर लिख दिया, एप्लीकेशन लिख दिया, उपहार अल्पाहार या भोजन करने का होटल टुकुल मिलाकर मार्कापुर टाउन में कितने हैं, इसमें सुरक्षित पानी देने वाले की देने की व्यवस्था कितनी होटलों में है, ये मुझे समाचार दे दो। वहां से बुलावा है, क्यों भाई, अरे जब सुरक्षित पानी ही नहीं दे सकता फिर लाइसेंस कैसे दिया उसको। सुरक्षित पानी, सुरक्षित हवा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक हर नागरिक का हक है। ऐसा भी हम सोच लिए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अपने गांव में राउंड द क्लॉक पर्यावरण पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक एप्लीकेशन लिखो, हमारे गांव में कौन सी समय में कौन सा पोल्यूशन है, वो किस कारण उत्पन्न होता है, उसकी वजह से इंसानों के ऊपर क्या प्रभाव गिरता है, जानवरों के ऊपर क्या प्रभाव गिरता है और पशु पक्षी के ऊपर क्या प्रभाव गिरता है। क्या ये गांव को सुधारने का काम नहीं आती है, एक्ट में कहीं पर नहीं जाना पड़ता, पेन कागज और ज्यादा से ज्यादा 25 रुपया रजिस्टर पोस्ट भी तकना लगने जाके देगा तो नहीं लेंगे। हाँ, इसमें और एक बात बोलना भूल गया, एक बार एप्लीकेशन लेके गया मैं, सर जी ये आपकी एप्लीकेशन है, अच्छा तो दे दो इन वार्ड में, नहीं जी मैंने बोर्ड पे देखा हूँ आरटीए एक्ट के हिसाब से ये एप्लीकेशन लेने के लिए आपको नियुक्ति किया हुआ, तो आपको ही स्वीकारना होगा, आपको ही रसीद देना होगा। अरे बहुत सुन लिया हमने, कानून मत बता, हम भी जानते हैं कानून। अरे हर आदमी को कानून कानून की जानकारी होना चाहिए, यही तो अधिनियम है हमारी, कानून में नहीं जानता ये बात नहीं लागू है कानून के साथ, तो ठीक है वहां पे दे दो, मैं बोल रहा हूं ना, तो मैंने ऊपर बोला इसके ऊपर आप वही बात लिख दो, मैं नहीं लेता, उधर दे दो, उधर देता हूं। उसने लिया नहीं, मैं गया रजिस्टर पोस्ट में भेजा, उसका रिसिप्ट लिया और मैंने लिख दिया कमीशन को, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर ने मेरा आरटीए एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया, तो इसके ऊपर डिपार्टमेंटल चलिया ले लो। ऐसे कई पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर भी मैंने लिखा, इसको फिर से ट्रेनिंग की आवश्यकता है, काम होता है, हुआ है। मेरे पास ऐसी फाइल से आज मैं ही कहता हूँ, मेरे मरने के पहले उस कैसे लिखा हूं मैं खुद नहीं जानता, आज देखता हूं ऐसी अंगार भड़कुटा था, कुछ करूं यार मैं बोलता था पुलिस वाले को, मेरे ऊपर 3 अटैक किए, मैंने बोल दिया उनको भैया शैतान या बोलते ना दैयम बोलते हैं तेलुगु में, भूत है या नहीं मैं नहीं जानता, अगर मुझे मार दिया मैं भूत बदन पे पड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको 7 पीढ़ी तक, और उनसे ऐसी ऐसी काम कराओ भाई साहब, मैंने आरटीआई के तहत हम लोग आज कार में जाते हैं और स्कूटर से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, तो भैंस बकरी इनको चराने वाला उसको हटाते भी नहीं, अरे यार थोड़ा बाजू हटाना है ना
नंबर के है और उसकी धमकी सुनना पड़ता है। तो मैंने लिख दिया पुलिस वाले को आपकी एप्लीकेशन, भाई ये जो रोड से होते हैं हाईवेज आरएनडी या गांव की जो लोग हैं इसके ऊपर अपने फालतू जानवरों को निर्लक्ष्य रूप में लेके जाने वाले, लेके जाते हुए जनता को मार्ग में अड़फड़ करने वाले के लिए कौन सा सेक्शन लागू होता है, मैंने देख लिया है किसी में, लेकिन सेक्शन का उल्लेख नहीं किया। मैंने लिख दिया, वो थानेदार बुलाता है अभी बेर बकरे को चराऊंगे कि यार तुम्हारा आती ऐसे हमको, ये कौन सी बात है यार जरा, अरे यार मैं प्रयत्न कर रहा हूं आपकी ये क्या क्या काम कर सकता। और एक बार मैंने मेरे गांव में देखा पागलों को शरीर के ऊपर कोई कपड़े ही नहीं है, बेचारे मानसिक रोगी है वो। तो मैंने थानेदार को लिख दिया, भैया इन लोगों के लिए कोई कानून है क्या? है, मैंने लागते है सेंट्रल, मैंने लागते वो भी मैंने देख लिया, उसको देख के ही मैंने लिख दिया। तो पुलिस वाले का कर्तव्य होता है ऐसा भयभ्रांत करने वाले, ऐसी अश्लील है ना एक प्रकार का, और वो भी एक नागरिक है उसकी सहायता होना चाहिए समाज की तरफ से, लेकिन हम नहीं करते, इसलिए वो एक्ट बनाया गया। तो उसमें लिखा है पुलिस वाले उसको ले जाए, उसको स्नान पान कराए, बाल अगर बड़े हो तो कटिंग करवाए, और उसको अच्छे से कपड़े पहनाए और स्थानिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए, उसकी आर्डर लेके मनोरुग्णालय में भेजा जाए। ऐसे कितने पुलिस वाले के कर्तव्य है, ये करवाया मैंने पुलिस वाले से आपके एक्ट से। और हमारे गांव में नोकस सिगरेट पीने वाले, इनको रोकने के लिए कौन सी स्टेप्स उठाए आप लोगों ने, कहां कहां पर बोर्ड लगवाए हैं ये भी पूछा। अब इनको पकड़वाने लगाऊंगे यार भैया तुम उनकी ड्रेस। हाँ बिल्कुल, ऐसा चलते 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 आंध्र प्रदेश की असेंबली एक बार ख्याल आया, हम नागरिक किसी भी दफ्तर में जाकर इस एक्ट की सेक्शन 2 के मुताबिक उस दफ्तर में जितने भी रिकॉर्ड्स है उसमें से जिस चीज की अगर वो देखना चाहेंगे देख सकता है, उसका फोटो ले सकता है, वीडियो निकाल सकता है और अटेस्ट का कॉपीज ले सकता है, ऐसा सेक्शन 2J कहता है आरटीआई एक्ट का। ते हो सकता है आम नागरिक जा सकता क्या? चल मैं जाके देखता हूँ असेंबली। मैं रख दिया, कोई रिप्लाई नहीं है, मैंने कंप्लेंट कर दिया सेक्शन 8 क्लास 1, हियरिंग में आ गया। तो पीआईओ साहब कहता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सर जी जन्नत हुसैन साहब जी उस समय चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे हमारे, सर जी हमने समाचार भेज दिया इनको, कैसे बता कैसे प्रूव करते? ये तो सर जी आउटवर्ड में लिखा हुआ है भेजा है करके। तो जन्नत हुसैन साहब देखते, हाँ श्रीनिवास जी ये तो भेजा है, बड़ा खुशी से कहता है। अच्छा ठीक है मैं देखू साहब जरा, बोले देख लीजिए। देखा तो मैंने फिर से सवाल पूछा वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से, भैया आपका असेंबली बोले तो बहुत बड़ा कार्यालय है, मैंने मांगा था आपसे सेक्शन 41B के समाचार, सेक्शन 41 क्लास बी क्या होता है, आरटी एक्ट का हृदय है, जिस किसी कार्यालय के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे उसका एक प्रकार का MRI स्कैन है, वो 17 पॉइंट्स होते हैं उसमें, वो भारतीय संविधान के मुताबिक वो कार्यालय कैसे स्थापित किया गया, उसमें कितने लोग रहते हैं, कितने कर्मचारी रहते हैं, कि किस कौन किसकी किसकी कितनी पगार है, और जनता के लिए उस कार्यालय के बारे में जानने के लिए कोई लाइब्रेरी वगैरह है, ऐसा 17 पॉइंट्स होते हैं। अगर वो अपने हाथ में आ गया किसी भी कार्यालय के गला अपने हाथ में होता है, उसका पूरा फंक्शंस के बारे में उनको मालूम चलता है। तो मैंने पूछा ये कितने पेजेस का होंगे आपके पास, ऑफिस कॉपी तो होगा, बोला ये तो बोले भूल गया हम। अच्छा ठीक है,
में होगा, होगा भाई 180 170 ऐसा, ठीक है। आपने आर्डनरी पोस्ट में भेजा है, घर पे लिखा है वहां पे, तो उसका खर्चा लिखा है 5 रुपया, 180 पेजेस 5 रुपए में पोस्ट में जा सकता है क्या? तो मैं आपका पोस्टल खाता का खर्चा को रजिस्टर स्वयं देखना चाहूंगा आपके ऑफिस में आके, ऐसा ऑर्डर दे दो। मैंने बोला जनाब उसने आपको दे दिया। मैं गया असेंबली में जा रहा था, रुकता है साहब वहां पर सिक्योरिटी, भाई तुम कैमरा लेके नहीं जा सकता अंदर। तो मैंने बोला क्यों? नियम है, नियम नियम नहीं चलता। 1923 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी इस एक्ट के सामने काम नहीं करेगा, यही एक्ट सर्वोपरि है, ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 22। अगर आप मुंह से बोल रहे मैं ऑर्डर लेके आऊ ऑनरेबल कमीशन का, उसके ऊपर लिख दीजिए कैमरे के साथ आपको अलाउ नहीं करूंगा, मैं चले जाऊंगा। अरे सवेरे सवेरे कहना कौन कैसा आदमी मिल गया यार, तुम मुझे दिमाग खराब कर रहे, फोन उठाया और उधर पूछा उन्होंने, अरे जल्दी भेजो। गया जाते बराबर साहब मेरा हाथ पकड़ता है, क्या पियेंगे, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स? मैंने बोला रजिस्टर मेरे सामने रख दो। अरे रखेंगे यार, बच्चे पहले कुछ तो बोलो। नहीं नहीं भी काम करना है जाना है। तो बोले साहब माफ कर दो, बाहर मत बताना, गलती हो गया। तो क्या बात है? बोले सब गड़बड़, आपकी गड़बड़ी से कोई लेन देना नहीं है, मैं ये देखना आया हूं और जनता को बताने के लिए आया हूं, वो आम नागरिक की कितने भी बड़ा दफ्तर में जा सकता है, कानून काम करता है, बशर्ते यूज करने की क्षमता अपने में होना चाहिए। ये निरूपित करने के लिए मैं आया हूं, ना कि आपकी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आया हूं। खुश हो गया वो आदमी, फोटो भी ले लिया मेरे साथ खड़ा होकर। तो ये है आपके एक्ट की ताकत। अपने गांव के अंदर जो भी समस्या, हर समस्या का हल आपके एक्ट से ऐसे निकाल सकते हैं अपन। हम भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचार को बाहर निकालने के लिए नहीं करेंगे इसके काम। हाँ उसका अलग टीम है, उनका अलग लत है, सबको अपनी अपनी ऐसा एक सूत्र है, जो आदमी जिस काम के लिए सोचता है काम करता है वो उसका उसमें सफल हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे काम मैंने गांव के अंदर समस्या को सुलझाने के लिए आपकी एक यूज किया। आज हमारे गांव में लगभग 113 एडवोकेट्स है। तो सबसे पहले कोई भी समस्या, जटिल समस्या के समाधान अगर ढूंढना है तो सबसे पहले मेरे नाम लेते हैं लोग। मैं समझता हूं इतनी ज्ञान मेरे में नहीं है, बस उसने समस्या बोल दी, आपकी एक्ट में सोचते रहता कैसा इसका लिखना चाहिए, समाधान मिल रहे भाई। तो आज हम आज उपस्थित हुए हैं जिला विकास संगम, इसको आगे बढ़ाने के लिए, छोटे छोटे गांवों को हम लोग आगे लाने के लिए और वहां की समस्याएं हल करने के लिए आपके एक बहुत बड़ा टूल है। ग्राम सभा के बारे में साहब ने उल्लेख किया, ग्राम सभा ऐसी चीज है और उसको एक्टिवेट किया जाए गांव स्वर्ग बन जाता है। उसके ग्राम सभा में 29 डिपार्टमेंट्स को भाग लेना होता है, जानते हैं? अधिकतर अधिकांश लोग नहीं जानते, ग्राम सभा में 10-15 लोग भी नहीं आते। मैंने कहा ना तो हमारा तुनकी के पास का गांव को रायलापुर को हमने मैंने कार्य क्षेत्र बनाने के लिए सोचा, वहां पे कितनी घर है मैंने गिन के आ गया, और एक हर हर घर के हर घर में एक ऐसा ग्राम सभा यानी क्या होता है, उसमें क्या क्या काम होता है, कैसे उसका निर्वहन होता है, ऐसा हर एक गाँव को देख हर एक घर में देकर आया हूं। और पटेल लोग भी आ गए मुझे धमकाने के लिए, मैंने वहां पर भी बोल दिया भाई मेरा नारा है मरेंगे तो भूत बनूंगा पकड़ूंगा तुमको, कोई राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आया, गांव के
कुछ अच्छे काम हो जाए ऐसी जो नई पीढ़ी को सिखा के जाऊंगा, बस बाकी कुछ नहीं है। तुम्हारा वोट से भी मतलब नहीं, तुम्हारे राजनीति से भी मतलब नहीं, भैंस नहीं मिल रहा किसी को, वो कैसे पाना उसको सिखाऊंगा आपके आपके, बीज नहीं मिल रहा मैं सिखाऊंगा कैसे उसके घर तक आ जाएगा बीज, खत नहीं मिल रहा उसको कैसे उसको मिलेगा मैं सिखाऊंगा, क्योंकि आज बटे और बांट दिए ना हम लोगों को, कांग्रेस टीआरएस तेलुगु देशम फलाना फलाना उन्हीं लोगों को मिलता है। आज मांगने वाले बता दिया है, बना दिया है मालक को, इस देश की मालक इस देश की जनता को भीख मांगे बना दिया है, और बने बने भी है हम लोग। तो भाई ये ताकत है आपके आपके, तो बहुत सारे चीज मैंने इस आरपीआई के ग्राउंड लेवल में काम किया, और आप लोगों की जो अपना जिला विकास संगम की फ्रेम में काम करने के लिए जो भी उत्सुक है वो लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों की गांव तक आऊंगा, और ऐसी चीज में रुचि रख के इच्छा रख के, इसके मतलब रुचि और इच्छा को छोड़ दे, लत के समान इसको अपना के आगे चलेंगे, ऐसी लोगों के लिए निरंतर काम करता रहूंगा। मेरा नंबर लिख दीजिए आप, 8001 8001 8001 8527। और आखिरी में मेल श्रीनिवास राव एकलव्य फाउंडेशन लीगल अवेयरनेस विंग। अपनी गांव अपनी माता को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने दो लफ्जों में बोलता है, रावण को मार दिया गया सब ठीक हो गया, लक्ष्मण जी विभीषण जी से कहते हैं जरा लंका घूम के आए चलो, तब तक के अधिकांश लंका ध्वस्त हो चुका था, कुछ तो अपने हनुमान जी ने जला के राख कर दिया था, फिर युद्ध में बर्बाद हो गया, फिर भी देखता है लक्ष्मण जाके रत्न वैढूर्य सोना इन चीजों से बना हुआ लंका अत्यंत वैभवशाली दिख रहा था तब भी तो